वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं फिटनेस की और फिटनेस लेवल्स की। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल शो है। हमारे साथ अरसलान फर्जंद हैं, मुश्ताक अहमद कुलोड़ो हैं जो राइजिंग स्टार्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन। अरसलान, आप बताएं कि ये बैटिंग के लिए फोकस करते हुए, आपने कहा आपने स्पिन भी करते थे पहले, लेग जी स्पिन, फिर जी आपने सोचा कि आपका टैलेंट ज्यादा है, फोकस करें एक चीज पे। राइट अच्छी बात राइट होती है अगर एक चीज पर फोकस कर लें तो वो फिर आपका स्टाइल बन जाता है और आपकी रिकग्निशन भी बन जाती है। बिल्कुल तो सर जी बैटिंग में आपका ये बताएं किसको फॉलो करते हैं, ये दूसरा ये बताएं कि आपका कोचिंग किसने की, आपको सिखाया अभी तक। अच्छा बिल्कुल सर, मैं बैटिंग में ज़्यादातर फॉलो खालिद लतीफ़ साहब को करता था, अच्छा और क्योंकि उनकी जो पावर हिटिंग थी वो मुझे बहुत पसंद थी, तो उसी के लिए उन्होंने मुझे एक टिप दी थी कि वर्क करो, नेट पे जितना हो सके टाइम दो, ठीक। दिन की दो 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 तीन तीन सौ बॉलें खेलो, तब जाके कहीं आपको निखार पैदा होगा। तो वो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो 19 लेवल पे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, क्योंकि दिन में 200 300 बॉलें खेलना आसान नहीं होती हैं, सही तो बात और वो भी मशीन से खेलता था मैं, सिविल एविएशन है। वालों ने अच्छा हमें बिल्कुल मशीन प्रोवाइड की हुई थी, ठीक। उन्होंने बहुत फ़ायदे दिए हमारे को CA ने, तो वो बहुत अच्छा लगा। और यानी कि आपकी स्किल्स में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक सिला ज़रूर देते हैं, तो तो इसी प्रैक्टिस तरह तो होती, प्रैक्टिस से परफेक्शन बिल्कुल। आती और है। मेरी कोचिंग की जो बात है, मैं हर बैट्समैन से कुछ ना कुछ सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ, जैसे खुर्रम सही बात। मंजूर हो गया, डोमेस्टिक किंग है वो इस वक्त, उनसे कुछ में कुछ सीखने को मिलता है, खालिद लतीफ़ साहब से सीखने को मिलता था, तो मैं इन लोगों से, अहमद इकबाल हो गए, उनसे मैं पूछता था कि भाई सही। आप इस तरह का शॉट कैसे मार लेते हैं, क्या मैं ऐसे मार सकता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात करी कि अपने ऊपर वर्क करो, और वर्क किया तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। जी एक सवाल, मैं एक पर्सनल सवाल आपसे कर रहा जी हूँ, छोटी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं अक्सर एक दो लोगों से पूछता हूँ, तो हम लोग, हमें तो देखने को ज्यादा मिलती है ना, आप लोग तो खेलते हैं माशाल्लाह। ये बताइए, एक बॉलर है, वो आपको शॉट आप जब लगाते हैं, जब बॉल आपको बल्ले पे आ रही होती है जी ना, बिल्कुल बॉलर भी तो बॉल कराने बैठा हुआ है ना, ऐसे ही वो आ है रहा था, वो मैंने देखा है कि टेक्निक होती है एक दो कैंपों में कहीं प्रैक्टिकली, के कह रहे हैं यार इनको रूम नहीं दो बैट्समैन को। कोई बॉलर ऐसा कभी सामने आया आपके, वो आपको रूम ही नहीं दे रहा मारने का, सब पैरों में करा रहा है, जिस्म पे आ रही है बॉल, बल्ला तो बल्ले पे घूमने का टाइम नहीं मिल रहा रेडियस बिल्कुल मिलेगा, रूम मिलेगा तो मारेगा ना। ऐसे जी बॉलों को एक डक, दूसरा डक, सर। जो क्रिकेट तीसरी हम खेल रहे डॉट। हैं माशाल्लाह जबरदस्त, उसमें सारे माशाल्लाह पाकिस्तान के स्टार्स ही खेल रहे होते हैं, ठीक है। रमजान क्रिकेट उठा लें तो कम्पिटेटिव क्रिकेट है, तो उसमें सुहेल खान मुझे ऐसे बॉलर लगे जिनसे जिनको मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सुहेल खान का वो पेस अच्छा बहुत है जबरदस्त बॉल करते हैं, माशाल्लाह। वो बॉडी टू बॉडी बॉल करते हैं, आपको टाइम जी नहीं देते, हाँ बल्ला खोलने का आपको टाइम नहीं मिलता उनपे, जी हाँ जी हाँ। इजीली लाइन और लेंथ लाइन और दोनों उनकी लेंथ भी वो बिल्कुल ऐसे सही ही है। है, तो काफ़ी जैसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं वैसे हाँ मुश्किल तरीन बॉलर मिलते रहते हैं, तो इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि सुहेल भाई को मारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, सही। आप बताएं भाई, क्या टारगेट है कोई बैट्समैन जिसको आप कहते हैं इसको मैंने आउट करना है आगे जाके? इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है, तो अभी पाकिस्तान के लेवल से, तो पाकिस्तान क्रिकेट हो रही, तो बाबर आजम जो इस वक्त नंबर वन बैट्समैन थे हाँ T20 के, तो अभी मेरे ख्याल से नंबर टू बैट्समैन है, तो बाबर आजम मेरे ख्याल से अभी जो पाकिस्तान में सबसे अच्छे वो बैट्समैन है, सबसे रन भी ज्यादा वो कर रहे हैं, तो जी, मेरा जो जो मेरा अहम ये कि इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ बाबर आजम को आउट करूँ एक वो मरतबा। आपका टारगेट बाबर आजम। मुझे यकीन है कि आप सुन रहे हैं और आप कभी ना कभी सामना होगा आपका बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुश्ताक का, हम भी देखेंगे वो मैच फिर। बल्कि एक मैच हम ऐसा भी करेंगे, आप दोनों को भी आमने सामने, आप बैट्समैन रहे हैं आप बॉलर हैं, तो एक आप भी तो आपस में भी तो कुछ जरा कुछ कराएं ना, बिल्कुल कराएं काफ़ी आपका टाइम कोई हमारा, ट्रायल काफ़ी बैल मैचेस में हमारा आमना सामना हुआ हुआ है है कभी अल्लाह का आपस शुक्र, का? बस अच्छा उसमें सर्वाइव किया मैंने मुश्ताक करोड़ों के सामने, अच्छा क्योंकि काफ़ी तेज़ बॉलर है माशाल्लाह, इंटीरियर्स हाँ, इनकी पहचान है, ये मैंने वीडियोस भी बहुत देखी हैं ज़बरदस्त आपकी बॉलर और है माशाल्लाह नाज़रीन, अभी हम आपको आगे जाके एक पैकेज भी दिखाएंगे दोनों का, अरसलान का भी मुश्ताक का भी, उसमें भी आप थोड़ा देखेंगे इनको कि किस बैटिंग स्किल्स और बॉलिंग स्किल्स दोनों की, प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह देखते रहिए। मुश्ताक किसको आइडियलाइज करते हैं बॉलिंग में? मैं तो शुरू से वकार वकार यूनुस भाई को आइडियल करता हूँ, क्योंकि वकार अच्छा भाई जो है ना उसका एक्शन मेरे से थोड़ा बहुत मिलते हैं, क्योंकि वो साइड आर्म से थोड़े आते हैं, कि मेरा जो सीधा स्टाइल आता है, जो हैंड जो होता है सीधा आता है, जो मैं लाइक करता हूँ वकार भाई को लाइक करता हूँ, वकार क्योंकि जब स्विंग स्विंग के सुल्तान दो वसीम भाई हैं, तो जी जब जियार रहमान होते थे उसको मैं बोलता था, वो नेट से जो है ना क्लिप्स निकाल के आते थे, कह रहे हैं देख इनकी देख ग्रिप कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे बॉल कर रहे हैं, आपको ऐसे करना है, तो जब मैं वो बॉल करते तो मैंने उनको देखा तो शूज में एक किली लगी होती थी नीचे से किलियां, तो स्पाइक्स, उसने कहा ये स्पाइक शूज भी होते हैं, हम तो ग्रिपर से करते थे, सही है। हमें पता नहीं था स्पाइक्स का, हाँ तो फिर उन्होंने कहा कि आपको स्पाइक्स लेना पड़ेगा, अगर ये आप पहनेंगे डबल पेस हो जाएगी आपकी, आपका पैर भी जमेगा, आपकी पेस भी बिल्कुल सही निकलेगी, है तो ग्रिप के लिए। फिर हमने उसके बाद एक साल बाद हमने उन्होंने जियाउर रहमान ने मुझे ना शूज मंगा के दिया इंग्लैंड से, कह रहा है शूज बूज मैं आपको दिलवा देता हूँ आप करो, अच्छा
जब मैं कराची रमजान टूर्नामेंट खेलने आया था, तो पांच पांच रमजान को मुझे सईद आजाद, नहीं है सईद आजाद, जी, उन्होंने पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेटर है उन्होंने ठीक मुझे है, बुलाया कि पांच नेशनल बैंक आ जाएं, आप जो ट्रायल है पूरे जो प्रोफेशनल क्रिकेट में कराची के वो भी आ रहे हैं, आपको भी आना पड़ेगा। तो मैं उस पांच रमजान को मैं सोच रहा था कि मैं रोजा रखूं या नहीं रखूं, तो इसी में तो मैंने कहा जो होना होगा अल्लाह मालिक वो हो जाएगा, मुझे तो रोजा नहीं छोड़ना, मैं रोजा छोड़ता भी नहीं हूँ, रोजा रख के आपने खेल रोजा गए। रख के मैं अच्छा, ये गया। बड़ा जो ना डिलेमा है कि हम लोगों के ना रमजान के अंदर ज्यादा ग्राउंड सजे हुए होते हैं, नहीं? बिल्कुल इसकी ऐसे क्या ही वजह है कि रमजान के अंदर ज्यादा टूर्नामेंट, ज्यादा क्रिकेट देखने में आती है? सर, ये रमजान का सीजन कहलाता है क्रिकेट के, तो बहुत ही बेहतरीन सीजन है अच्छा, क्योंकि नाइट क्रिकेट बहुत होती है और पाकिस्तान से पूरे स्टार्स खेलने आते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज खेली होती हैं, हाँ, तो कॉर्पोरेट इनमें टैलेंट तो टीम्स है, खेली टीमें होती भी हैं, हैं, मगर बड़े अभी बड़े क्या बैंक होगा? खेले अभी होते तो हैं। डिपार्टमेंट होंगे क्योंकि ये क्रिकेट तो ऑफ नहीं है, बट इसकी किसी भी ने स्पेसिफिक जो है ना फी रख दी है, अगर वो ठीक टूर्नामेंट कमेटी वो फी पे करेगी तो वो टूर्नामेंट होंगे। ये कर सकते हैं ये है, आप, सब्जेक्ट टू अप्रूवल यस पीसीबी बिल्कुल की। ऐसे ही है। सही सही। मुश्ताक, आपका जिक्र कर रहे थे हम लोग शो से पहले, आपने कहा दुबई वाला क्या सीन था? वो शाहिद अफरीदी जब आपको मिले थे बैठे हुए, उन्होंने आपको खुद पॉइंट आउट किया था, वो तो किस्सा भी तो सुनाया, मैं रिव्यू सुने कुछ। जब हम दुबई स्टेडियम में मैच खेलने गए तो हमें पहला वार्म अप होती है, हमने प्रैक्टिस वगैरह वार्म अप हमने कर ली थी, अच्छा, तो फिर हम वापसी ड्रेस रूम में आ गए तो बैठे हुए थे, तो मैं पल्ली चेयर पे बैठा हुआ था, इस चेयर पे सब बैट्समैन बैठे हुए थे, बॉलर जो साथ में खाना खा रहे थे, तो उस चेयर पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ शायद भैया साथ बैठे, वो कह रहा है तुम कहाँ से? मैंने कहा मैं सक्खर से हूँ, सक्खर गाँव। मैंने कहा जी गाँव से। कह रहा है अगर तुमने राशिद लतीफ ने अल्लाह पाक ने आपका जरिया बनाया है तो आप अगर अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और भी, तो आप कराची आ जाएं, कराची शिफ्ट हो जाएं, जो आपको खर्चा चाहिए मैं दे दूंगा, आप अकाउंट नंबर मुझे दे दें। तो मैंने ये देखा कि स्टार एक प्लेयर आके मेरी साइड में, जो मैंने स्टार सुपर स्टार लेजेंड जो मैंने देखे, तो मैंने देखेंगे कोई सुपर स्टार है, मैं बिलीव ही नहीं करता था कि शायद भाई कि आके मेरे साथ बैठेंगे ऐसी बातें करेंगे, सही बात जो हम सुनते थे है। सुपर तो स्टार तो मतलब वो हमने देखे वो सामने। ये तो कहते हैं माशाल्लाह, हमारे इतने भी बड़े स्टार्स हैं माशाल्लाह, वो जितने बड़े प्लेयर्स हैं इतने बड़े इंसान भी हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग जो है ना वो बिल्कुल बड़ा काउंट करता है माशाल्लाह। आपका बिल्कुल कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर जरा बताएं, कौन से मैच आपने खेले हैं असलन? ठीक सर, यूनिवर्सिटीज का टूर्नामेंट होता है रेडबुल का, तो है, उसमें 96 यूनिवर्सिटीज जो है ना खेलती हैं, जो जीतती है जो चैंपियन होती है वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने जाती है जहां वर्ल्ड कप कराती है रेडबुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दो ये वर्ल्ड कप खेलकर आया हूँ, एक श्रीलंका में उन्होंने करवाया था और एक अभी इस साल दुबई में करवाया था, तो यहाँ का जो फाइनल हुआ था उसमें विनिंग शॉट मेरे पास है, वो मैं जीता, मैंने जितवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हम जीते थे। उसके बाद हम गए थे श्रीलंका, श्रीलंका में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान से वहाँ पे भी मैंने टॉप किया, तो उस साल बहुत फायदा हुआ, वापस आए हम, वापस आके फ्यूचर ग्लैडिएटर उसके साथ मर्ज था रेडबुल के साथ, ठीक तो है, फ्यूचर ग्लैडिएटर की बड़ी नजरें थी, क्योंकि फाइनल वाले दिन मोइन खान साहब, आजम खान, नबील हाशमी भाई, सरफराज अहमद, ये खुद वहाँ मैच देखने भी आए हुए थे, क्योंकि हमारे जो टीम के मेंटोर थे कराची यूनिवर्सिटी के सरफराज अहमद भाई थे, तो सही है। सैफी भाई वगैरह, तो जब हम वहाँ फाइनल जीते हैं बड़ी खुशी हुई, श्रीलंका गए, श्रीलंका में जाके जब मैंने परफॉर्म किया वापस आए, तो एचबीएल आईडी वालों ने एक टैलेंट हंट कराया था, एसबीआईडी, जिसमें से उन्होंने प्राइज लिए थे बहुत पूरी यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से 500 लड़के थे, 500 में से दो लड़कों ने सेलेक्ट होना था सर, और ठीक है, हमारे पास इधर आए थे पांच आजम सौ में से दो। जी सर, 500 में से दो, तो मैं वो खुश नसीब हूँ दो में से एक हूँ अच्छा, जिसने आगे जाके मतलब कोयटा ग्लैडिएटर का रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट डगआउट किया शेयर है। किया था, तो उस टाइम हमारे पास जो ट्रायल लेने आए थे वो आए थे आजम खान, पाकिस्तान के सिलेक्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान 19 के कोच थे वो, तो वो सिलेक्टर आए थे, उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, फिर रमीज राजा सीनियर आए, सही उन्होंने है। देखी कहानी, उन्होंने आगे जाके मुझे शॉर्टलिस्ट किया, तो एचबीएल आईडी वालों ने ये प्रोग्राम कराया था। मैं सो रहा था, मुझे फोन आया कि माशाल्लाह मुबारक हो आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो मैंने उनसे पूछा सर कितने में शॉर्टलिस्ट हो गए, तो उन्होंने बताया 50 प्लेयर्स में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, मुबारक हो। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर जाएंगे कितने लोग, उन्होंने बोला दो लड़के जाएंगे, मैं शॉक हो गया थोड़ा, मैंने चले ठीक है सर अगर मैं हूँ तो बता दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 3 बजे तक डेडलाइन मिल जाएगी, कौन है आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका फोन आया दोबारा कि मुबारक हो आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आप अच्छा, आगे जाके माशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर फर्दर, ये को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बड़े क्रेडिट की बात है माशाल्लाह आपको, और मुझे लग रहा है कि आप इंशाल्लाह इस वाले भी पीएसएल में किसी न किसी बड़ी फ्रेंचाइज के साथ नजर आएंगे, इंशाल्लाह सर अल्लाह ने कोशिशें चाहा तो कैंप अटेंड जारी हैं करेंगे, करने बिल्कुल कोशिशें जारी है, जराए के का। मुताबिक जो खबरें हैं वो यही है कि कोई ना कोई कैंप हम इंशाल्लाह इस बार ज्वाइन इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है मुश्ताक, आपका भी यही है माशाल्लाह, सारे पूरा सीजन आप खेलते रहें,
जी बिल्कुल, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जी अभी 2017 में जब प्रोग्राम हुआ था कराची किंग्स का टैलेंट हंट, तो जी वो उन्होंने पूरी सिंध में उन्होंने ट्रायल लिए थे कराची में। तो बिल्कुल बिल्कुल इंटर सिंध में भी आए थे, राशिद भाई की मुझे कॉल आई थी, कह रहे हम सखर में ट्रायल ले रहे हैं, आपको सखर पहुंचना है 10 बजे सुबह में। तो मैंने कहा ठीक है राशिद भाई, मैं आ जाऊंगा। तो मैं सुबह में वहां गया तो लाइनअप सब खड़े हुए थे लड़के, जब मुझे लाइनअप में मुझे राशिद भाई ने देखा कि आप इधर आ जाए ठीक आप, क्योंकि उस साल मैं फर्स्ट क्लास खेल के आया था 2017 में, है तो फर्स्ट क्लास में मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो जब मैं वहां गया तो जब मैंने वहां बॉल की तो उन जो बैट्समैन थे उनको बॉल दिखाई नहीं दे रहे थे, वो टच भी नहीं का पा रहे थे जो दूसरे थे। तो ठीक मैंने वहां बोले कि एक दो को आउट किया, डंडे वंडे उड़ाए, तो फिर राशिद भाई ने कहा कि आप ऐसे करो आप कराची आ जाओ, यहीं से डायरेक्ट मैं आपको कॉल कॉल करूंगा, आप कराची आ जाएं। तो फिर मैं वहीं से घर गया, तो 2 दिन के बाद मुझे ना राशिद भाई की कॉल आई। तो जिस दिन वो शॉर्ट लिस्ट करना चाह रहे थे नेशनल स्टेडियम में, उस दिन मेरा एग्जाम भी था बीएससी का। तो अच्छा फिर मैंने रात में राशिद भाई से बात की, राशिद भाई ये मेरा मसला है, हाँ एग्जाम भी है। तो हाँ उसने कहा आप क्या चूज करते हो, मैंने कहा पहले तो क्रिकेट है, मैंने अच्छा जिससे क्या बात है, ये मैं डिसीजन मेकिंग जो जो मेरी है फिर पहले क्रिकेट बाद में है। तो पैशन उसने कहा ठीक है आप अगर कहना चाह रहे हैं तो क्रिकेट, तो फिर आ जाए। जब मैं नेशनल स्टेडियम गया तो फिर मैंने वहां जाके बॉल की, तो राशिद भाई जो दूसरे थे जो तारिक वसी थे, नवीद रशीद, उनको ये राशिद भाई बता रहे हैं देखो इनको कितना जुनून है, आज इसका एग्जाम था, एग्जाम छोड़ के क्या बात मतलब है। ये ट्रायल देने आया। तो उसके बाद उस अगले दिन तो फिर नया नाजमाबाद, उन्होंने कहा कि अगले दिन भी होगा, सही है। तो मैं नया नाजमाबाद गया, वहां मैंने ट्रायल दिया। तो फिर मुझे राशिद भाई ने ड्रेस रूम जो होता है नया नाजमाबाद में, वहां उन्होंने बुलाया मुझे अकेले में, ठीक उन्होंने गले लगाया कि आपका इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपका नाम आ जाएगा कराची किंग्स में, और बताना किसी को नहीं आप यहाँ से जाएं। तो सही 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 वो कह रहा था आप कराची में स्टे करना चाहते हैं तो मैं आपको जगह दिला देता हूँ नेशनल स्टेडियम में। तो जबरदस्त मैं वापस घर चला गया, तो हमारा फौरन ही नेशनल बैंक का वनडे स्टार्ट हो गया। ठीक है तो उसी वनडे में मैं मैचेस खेला वनडे, उसमें मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी वनडे में भी। तो फिर जब मैं पीएसएल स्टार्ट होने वाला था, तो जब मेरा नाम आ गया तकरीबन 10-15 दिन पहले, फेब्रुअरी का महीना था, तो मुझे कॉल आई। तो फिर यकीन करें मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था, इतनी कॉलें इधर उधर से, अरे दोस्त बहुत यार बढ़िया, रिश्तेदार सब, तो मतलब इतनी खुशी होती है, मतलब राशिद भाई सही ने बात है। जो आप परफॉर्म करें और फिर आगे से रिस्पांस मिले आपको, तो आप अरसलान एक सवाल मैं जी आपको तो सर पूछता हूँ, मेरिट के ऊपर बड़ा मसला है हमारे, हम लोग बड़ा डिस्कशन करते हैं ना, हालांकि जी टैलेंट है आ भी रहा है, ये टैलेंट की ज्यादती है या मेरिट का सिस्टम की कोई मसला मसाइल है, कि अक्सर लोग कहते हैं हमें जो है वो रेफरेंस सर चलते हैं और मेरिट पे नहीं चलता सिस्टम, और सिस्टम हो की तरह क्रिकेट बिल्कुल सिलेक्शन का, आपका क्या ख्याल है उसमें? सर, जो टैलेंट है वो कभी छुपता नहीं है, मेरी ये मानना है कि देखें सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास फवाद भाई हैं। फवाद भाई 10 साल के बाद कमबैक किए हैं, तो अब आप देखें माशाल्लाह अल्लाह इज्जत माशाल्लाह देता है उन उन जैसा सब्र तो हमारे पास नहीं आ सकता। बट ये मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें चलती जरूर है, लेकिन सही कामयाब वही होता है जो सब्र करता है और अपने टैलेंट पे और अपनी मेहनत पर और अपने अल्लाह पर यकीन रखता है। तो कभी ना कभी अल्लाह पाक देता है, अल्लाह पाक आपको तब देता है जब आपको जरूरत होती है। तो आज फवाद भाई हमारे लिए सब यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गए कि भाई आप कभी भी अपना जो मौकफ लेके चल रहे हैं वो छोड़े नहीं, आप हमेशा अपने लगन जारी कमिटमेंट, रखें, और कमिटमेंट कमिटमेंट जारी। पैशन है आपका, कमिटमेंट है, बिल्कुल एंथुसियाज्म है, तो ये चीजें आपको इंशाल्लाह किसी न किसी, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को देर से मिलता है, हर आदमी अपनी टाइमलाइन के अंदर चल रहा है नाजरीन। इस वक्त हमें एक बंदा, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से, एक एग्जीक्यूटिव दूसरे एग्जीक्यूटिव से कंपेयर नहीं कर सकता, हर किसी की अपना नसीब है, अपनी टाइमलाइन है, उस पर हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है ना मुश्ताक साहब, आप भी इसी पे बिलीव करते हैं, जी या कोई बिल्कुल कोई 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 ऐसा आया इस पूरे अभी तक छोटा सा कैरियर है आपका माशाल्लाह, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है, कि कभी आपको ऐसा लगा होगा कि ये यहाँ मुझे आना चाहिए था नहीं आ सका और मेरे आपके साथ नाइंसाफी हो गई, ऐसे कोई फीलिंग आई बीच में? ऐसे देखें तो 2018 में जो पीएसएल हुआ था, जब जी मैचेस होते थे तो मेरा दिल करता था कि अगर मुझे ये मैच खिला दे, अगर मैं मैच हाँ खेल लूंगा तो इंशाल्लाह मैं जो मुझसे जो होंगे 100% टीम के लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो जब बड़े प्लेयर थे, बाबर आजम थे और इमाद असीम थे, शाहिद भाई थे, सब मुझे सपोर्ट करते थे, वो चीज़ जब बोलते थे आप किसी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए तो हम आप कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे सीनियर का मतलब यही फीडबैक है आप लोगों से आ रहा है, बिल्कुल और भी लोग देते हैं प्लेयर के, माशाल्लाह बहुत कॉपरेट करते हैं यंग कमर्स को, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है। सर। फिर वो मैचेस जब चल रहे तो बस वो नसीब में नहीं थी, मैच तो मुझे नहीं मिला उसमें। तो फिर 2019 में भी सिर्फ यही बात हुई थी, जब ये कराची किंग्स से जब टीम अनाउंस हुई थी, जी तो उसमें मुझे ये कि वसीम भाई आए हुए थे, वसीम अकरम और डी जॉन्स,
नेशनल स्टेडियम में मुझे उन्होंने फिर बुलाया था 2019 में, ठीक तो है। 5 फरवरी को, 6 फरवरी को ड्राफ्ट होने वाले थे। अच्छा, तो 5 फरवरी को जब उन्होंने मुझे बुलाया तो वसीम अकरम भाई को भी और री जॉन्स को मैंने बहुत पसंद आया था, तारिक वसी या नवीद रशीद, इनको बहुत पसंद आया था मैं। तो ये इन सारी चीजों में सर बात वही है कि हमारा जो पॉइंट है हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल, फिटनेस लेवल्स, फिटनेस लेवल जितने अच्छे होंगे उतनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं है नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स हैं। हम अगर एक अपना बिजनेस करते हैं, आप कहीं अपने पर्सनल लाइफ में कोई और काम कोई भी करते हैं, काम किसी भी सेगमेंट में है, नौकरी कर रहे हैं, जॉब आपका प्रोफेशन है, तो आपको अपने आप को अपने हेल्थ के फिटनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। चलते चलते आप दोनों मुझे एक एक सेंटेंस में बताएं कि क्या फिटनेस के लिए, क्या यंगस्टर्स देख रहे हैं आपको, क्या जरूरी है, किस तरह से फिटनेस को ऑप्टिमम लेवल पे, फिटनेस को बरकरार रखना सबसे पहले आपकी डाइट बहुत जरूरी है, डाइट, ठीक है। नींद का बहुत अमल दखल है आपकी फिटनेस में, अच्छी नींद लेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। और बाकी तो जो आजकल नेट इतना आम हो गया है, इतना जबरदस्त चीजें उस पर दिख रही है, अगर किसी को कोई गोल सेट करना है तो नेट से अपने हाइट वेट लिखेगा तो सारा गोल दे देगा, बिल्कुल सही है। एप्लीकेशंस भी हैं, आ गई है ऐसी कि आपको तैयार हलवा मिला हुआ है, वो आप बस अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना आपके हाथ में, जस्टुजु होनी चाहिए चीजें सीखने की। अगर आप खुद फिट रहना चाहते हैं तभी आप, विंडोज मौजूद हैं, ऑप्शन मौजूद हैं, कोई दूसरा आपको आगे नहीं कर सकता इसमें, आप खुद अगर चाहेंगे तो वही कर सकते हैं। क्या ख्याल है मुशर्रफ, है ना, आप मतलब जरूरी नहीं है कि आप मतलब प्यासा ही कुएं के पास जाता है ना, वो वाली मिसाल है। सबसे पहले तो आप जो अपने आप को पहचाने के हमें जो है जरूरत है फिटनेस की, जब आपको इस इम्पोर्टेंस का अंदाजा होगा तो आप ढूंढेंगे, ठीक है ना, आप इंक्विजिटिव हो कि यहाँ पे मुझे अब इसके रिलेवेंट चीजें चाहिए, तो जिस तरह अरसान ने कहा नेट पे भी मौजूद है और पर्सनल ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, फिटनेस क्लब भी मौजूद हैं, क्या कहते हैं आप? सर यकीन करें ना, अभी जो फास्ट बॉलर की होती है उनकी जो जो खुराक होती है वो ज्यादा होती है, बैट्समैन से भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनको भागना पड़ता है, दौड़ना, एनर्जी लगानी पड़ती है, दिन में 20-25 ओवर करने पड़ते हैं 4 डे में, टेस्ट में जो होते हैं। तो जब से डिपार्टमेंट बंद हुए हैं तो तब से मतलब ये मुश्किल टाइम हम पे है, अभी मुश्किल टाइम चल रहा है, तभी हम भी फिर मैचेस इधर उधर खोल के खेल के तो अपनी जो जो होती है अपनी बेनिफिट जो अपना हम पूरा कर रहे हैं वो है, और अपने एनर्जीज भी वही, जाहिर एनर्जी तो आपको आपके अंदर हो ही रही है ना, डेवलप हो रही है, उसको बर्न भी तो करना है, यूटिलाइज भी करना है, और एक टारगेटेड इनका प्रोफेशन है। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, फिटनेस के हवाले से इंशाल्लाह इन राइजिंग स्टार्स के साथ दोबारा नेक्स्ट सेगमेंट में भी बैठेंगे। चलते चलते अपना और अपने अराउंड अपने जानने वालों का, अपनी फैमिली का, फिटनेस का ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, और स्क्रीन के ऊपर आपको जो ईमेल आईडी आ रही है उस पर आप अपना फीडबैक भेजें, इंशाल्लाह हम आपको रेलिवेंट और टाइमली रिप्लाई करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Push back, back, and then fall, and Boomer enjoyed that one. Faizan ne zordar shot lagaya aur is tarah 4 runs hasil karenge. Karachi Knights ne final muqabla jeet liya. From Bali Dragons, Arsalan Faizan, very wealthy. Dushan Razi, Arsalan Faizan. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उस पाकजात ने मुझे उस मौके पे इज्जत दी जहाँ पे मेरी टीम को बहुत सख्त जरूरत थी मेरी परफॉर्मेंस की, मैं उसका बहुत शुक्र गुजार हूँ। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या सूरत हाल थी जब 23-5 हो गए थे, एक एंड से विकेटें गिर रही थी? माइंड में ये था क्योंकि मुझे मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया, तौहीद खान ने मैं को बहुत साथ दिया, उसने बोला कि बस तुम करोगे, मैं पिछले 6 मैचों से फ्लॉप चल रहा था, लेकिन अल्लाह ने इज्जत देनी थी बड़े मैच में, अल्लाह ने इज्जत दी और मैं एंड तक ले गया। तौहीद आया बैटिंग पे मेरे साथ, उसने कहा कि मैं जो चार्ज करूँगा मैं करूँगा, तू लंबा खेल, और मैं लंबा खेला और अपनी टीम को 109 स्कोर करवाया। लग रहा है बहुत लंबा खेले इस मुल्क के लिए, वेरी वेल प्लेड,